गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग का अपना यूनिट नंबर 3 दैट इज रिलेटेड विद फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके अंदर हमको दो टॉपिक पढ़ने गए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स, कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस होते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। बेसिकली हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, मतलब कि जब हम नो ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जब हम इम्पोर्ट करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब आप इम्पोर्ट करते हो तो आपको पेमेंट ठीक है सामने वाली कंट्री की करेंसी में करना पड़ता है। अगर आपने अमेरिका से इम्पोर्ट किया तो यू हैव टू पे इन डॉलर। तो जो भी कंट्री से आप माल परचेज करते हो, इम्पोर्ट करते हो, उसी कंट्री की करेंसी में आपको पेमेंट करना होता है। बट इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? रुपीज़। मतलब आपको रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? फॉरेन करेंसी में, और उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। और फॉरेन करेंसी का जो रेट होता है वो ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग होता है, चेंज होता रहता है ठीक है। तो जब फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका जो इफेक्ट आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज होने से, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है ओके। तो सबसे पहले थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन हम इस चैप्टर का पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है AS 11, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इंट्रोडक्शन में AS 11 रिवाइज 2003 कम्स इनटू इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2004। तो ये रिवाइज हुआ था 2003 में, 2003 से पहले कुछ और स्टैंडर्ड था, उसके बाद कम्प्लीटली रिवाइज हो गया था। मैंडेटरी इन नेचर फ्रॉम दैट डेट, ये मैंडेटरी है, आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना ही है अगर आपके ट्रांजेक्शन्स फॉरेन करेंसी में होते हैं तो। द स्टैंडर्ड डील्स विद द इश्यू इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंड फॉरेन ऑपरेशन, दैट मीन्स टू डिसाइड विच एक्सचेंज रेट टू यूज and how to recognize the financial effect of change in exchange rate in financial statement। ये standard हमको ये बताता है कि exchange rate को कैसे use करना है ठीक है, उसको financial effect जब होती है तो उसको किस तरीके से account में recognize करना है, मतलब उसका treatment देना है। चल, ये accounting standard किस किस को apply है? The transaction entered into foreign currency, सारे ट्रांजेक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो। इन ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल एज वेल नॉन इंटीग्रल, मतलब क्या होता है कि आपकी हेड ऑफिस इंडिया में है बट आपकी ब्रांच जो है वो दूसरी कंट्री में है। तो आपकी ब्रांच जब अकाउंटिंग करेगी तो वो तो दूसरी करेंसी में होगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका में आपकी ब्रांच है तो वो डॉलर में उन्होंने अकाउंटिंग किया होगा, बट इंडिया में आपकी हेड ऑफिस है, यहाँ पे रुपीज में अकाउंटिंग होता है, तो उसके ऑपरेशंस को भी आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड फॉरवर्ड एक्सचेंज या फ्यूचर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ठीक है, एक रेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि भाई फ्यूचर में हम आपको इसी रेट के साथ गुड्स देंगे, भले जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में चल रहा हो। जहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हो वहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज जो AS 11 है वो वहां पे अप्लाई हो जाता है। नाउ डायरेक्टली मूविंग कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहला टॉपिक है अब हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं। ट्रांजेक्शंस डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी और वेयर द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, मतलब जहां पे ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में हुआ हो या उसका सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में हुआ हो उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन फॉरेन करेंसी, आप कोई भी चीज़ खरीदते या बेचते हो फॉरेन करेंसी में, आप फॉरेन करेंसी में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, मतलब आपने कोई कंट्री में सर्विस प्रोवाइड की तो वहाँ पे जो आपका बिलिंग है वो डॉलर या यूरो के अंदर बना हो, मतलब फॉरेन करेंसी में अगर आपकी प्राइसिंग हुई हो सर्विस की तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा। एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स असेट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, अगर आपने कोई असेट खरीदी है या बेची है फॉरेन करेंसी में तो उसको फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस कहा जाएगा। लेंडिंग और बोरोइंग व्हेन अमाउंट्स आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी,
आपने कोई पैसा या कोई फंडिंग कोई फॉरेन करेंसी में लिया हो या किसी को फंडिंग दिया हो फॉरेन करेंसी में, तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या बोला जाएगा? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। सिंपल एक लाइन में बोलूं तो जहां पे भी फॉरेन करेंसी आ जाती है उस ट्रांजेक्शन्स को फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। अब कुछ डेफिनेशन है जो हमको याद करनी है। सबसे पहला है रिपोर्टिंग करेंसी। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब जहां पे आपका मेन ऑफिस है, जहां से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, उस कंट्री को बोला जाता है रिपोर्टिंग कंट्री। और वहां पे जो करेंसी यूज होती है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग करेंसी। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मेरी मेन कंपनी है, मेरा हेड ऑफिस इंडिया में है, तो मेरी रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी होगी? इंडियन रुपीज। अगर मेरा हेड ऑफिस यूएस में है तो मेरी रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी होगी? यूएस डॉलर। मतलब जिस कंट्री में आपके प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी किए जाते हैं उस कंट्री की करेंसी को बोला जाता है रिपोर्टिंग करेंसी। फिर आता है फॉरेन करेंसी। इंडियन करेंसी को छोड़ दो, बाकी जितनी भी करेंसी है वो सारी कौन सी करेंसी है? फॉरेन करेंसी। हम इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो सिंपली ऐसी करेंसी जो इंडियन करेंसी नहीं है उन सबको क्या बोला जाएगा? फॉरेन करेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है अपना एक्सचेंज रेट। रेट एट विच फॉरेन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी, वो रेट जिससे फॉरेन करेंसी को आप रुपीज में, रिपोर्टिंग करेंसी मतलब रुपीज, या फिर रुपीज को कोई फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो उस रेट को क्या बोला जाता है? एक्सचेंज रेट। जैसे कि $1 इज इक्वल्स टू अभी का रेट चल रहा है 70, तो एक्सचेंज रेट क्या बोला जाएगा? आज का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है? 70 रुपीज। ओके, एवरेज रेट। द एवरेज ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर अ गिवन पीरियड, इट मे बी अ वीक, फोर्टनाइट और अ मंथ। एवरेज मतलब कई बार आपको एवरेज रेट की जरूरत पड़ती है जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते हो, तो कई सारे ट्रांजेक्शन्स को हमको एवरेज रेट में करना होता है। सो बेसिकली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक रेट होता है 1 अप्रैल का, से फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 19, और हमारी बैलेंस शीट होती है 31 मार्च 2020 की। तो 1 अप्रैल को से फॉर एग्जाम्पल रेट चल रहा है 60 का, $1 इज इक्वल्स टू 60 का, एंड 31 मार्च को आपका रेट चल रहा है से फॉर एग्जाम्पल 50 का। तो अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 60 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, मतलब आपका एवरेज रेट कितना माना जाएगा? 55। सो एक गिवन पीरियड के लिए एवरेज रेट निकाला जाता है। बेसिकली हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग साल के लिए निकालते हैं, बट इट कैन बी फॉर अ वीक, इट कैन बी फॉर फोर्टनाइट और इट कैन बी फॉर मंथ। ठीक है, बट हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं और जब हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टिंग करेंसी में, और कहीं पे भी एवरेज रेट का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ध्यान रखना है साल के बिगिनिंग में और साल के एंडिंग में जो रेट चल रहा है उसी के एवरेज को हम एवरेज रेट कहेंगे। फिर आता है फॉरवर्ड रेट। अग्रीड एक्सचेंज रेट बिटवीन टू पार्टीज फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, मतलब दो पार्टी के बीच में पहले से फिक्स हो जाता है कि भाई पर्टिकुलर डेट पे जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन के लिए हम ये रेट फाइनल करते हैं। जैसे कि मैंने कोई डील फाइनल की है, वहां पे हमने एक रेट बुक कर दिया कि भाई $1 इज इक्वल्स टू 65। हम ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख को करने वाले? तो फॉर एग्जाम्पल 15 मार्च 2021 को। तो आज क्या तारीख है? उस तारीख के हिसाब से आपने फ्यूचर डेट डिसाइड की कि भाई 15 मार्च को आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो, और आपने पहले से उसका रेट भी डिसाइड कर दिया, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड रेट। अग्रीड एक्सचेंज रेट, अग्रीड मतलब 65 जो हमने अग्री किया है बिटवीन टू पार्टीज फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट यहाँ पे कौन सी हो गई? 15 मार्च 21 को हम ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर उस दिन रेट भले 60 का चल रहा हो कि 70 का चल रहा हो, हमने हमारा रेट बुक कर दिया है और 65 के हिसाब से हम ट्रांजेक्शन करेंगे। फिर आता है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट का मतलब होता है एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट, मतलब साल खत्म होने पे जो रेट चल रहा हो
उसको कौन सा रेट बोला जाता है, क्लोजिंग रेट, ठीक है, या फिर उसको आप करंट रेट भी बोल सकते हो। क्लोजिंग रेट का दूसरा नाम क्या होगा, करंट रेट। फिर मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम्स आर मनी हेल्ड एंड असेट एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। दैट मीन्स कि कैश है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, जो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं ना, हमारी करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी, ठीक है, जिसको हमको एक साल के अंदर अंदर रिसीव और पे करना होता है, उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी आइटम। फिर आता है नॉन मॉनेटरी आइटम, ठीक है, नॉन मॉनेटरी आइटम की सिंपल डेफिनेशन, अदर देन मॉनेटरी आइटम, मतलब मॉनेटरी आइटम के सिवा बैलेंस शीट में आपके पास जो भी आइटम्स पड़ी है उन सबको क्या बोला जाएगा, नॉन मॉनेटरी आइटम, जैसे कि फिक्स असेट है, इन्वेंटरी है एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व है, वो सारी कौन सी चीज़ें हो गई आपकी नॉन मॉनेटरी। एक चीज़ खास ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला था मॉनेटरी मतलब करंट असेट करंट लाइबिलिटी, लेकिन जो हमारा स्टॉक होता है, इन्वेंटरी जो होती है, वो हमेशा नॉन मॉनेटरी आइटम में आएगा, मॉनेटरी आइटम में नहीं आएगा, राइट। लास्ट डेफिनेशन है फॉरेन ऑपरेशन की, ऑपरेशनल एक्टिविटीज कंडक्टेड इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज बाय द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर और अ फॉरेन ब्रांच। क्या लिखा है उन्होंने कि भी ऑपरेशनल एक्टिविटी कंडक्टेड इन अ कंट्री, उस कंट्री में सारा आपका बिजनेस की एक्टिविटी चलती है, अदर देन द कंट्री ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, आपकी जो मेन रिपोर्टिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में अगर आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है उसको बोला जाता है फॉरेन ऑपरेशन। जैसे कि अगर मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी यूएस में है, मेरी कोई एसोसिएट कंपनी यूएस में है, मेरी कोई जॉइंट वेंचर कंपनी यूएस में है, या मेरा कोई फॉरेन ब्रांच जो है वो यूएस में है, तो उन सबको क्या बोला जाएगा, फॉरेन ऑपरेशन। है मेरी ही कंपनी लेकिन वो कोई और कंट्री में है और वहाँ पे वो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी मतलब बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, क्लियर, तो उसको बोला जाएगा फॉरेन ऑपरेशन। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन, जिसमें हमारा सबसे पहला कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ये हमने आगे भी पढ़ा था कि कोई भी माल आप खरीदते या बेचते हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या लेते हो, लोन देते हो या लेते हो, असेट्स को खरीदते हो या बेचते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉरेन करेंसी में करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स। अब जब आप फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है आज का, जिसको हमने कैटेगरी 1 का नाम दिया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। जब आपने कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया तो आपका पहला स्टेप होगा इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, जिस दिन आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, परचेज किया या सेल किया, कुछ भी किया हो, उस दिन पे जो रेट चल रहा हो उस रेट पे आपको अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपने कोई चीज़ परचेज की है अमेरिका से और उस दिन पे आपका $1 का रेट चल रहा है 60 रुपीज़, ठीक है, कौन सी डेट को परचेज किया, तो फॉर एग्जांपल 19th January 2021 को आपने परचेज किया, तो 19th January 2021 को आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसको बोला जाएगा इनिशियल रिकॉग्निशन। जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, उधार में खरीदा हो तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। और ये जो ट्रांजेक्शन होता है, से फॉर एग्जांपल आपने $1,000 का माल खरीदा, कितने डॉलर का माल खरीदा, $1,000 का, तो इनिशियल रिकॉग्निशन आपका होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, $1,000 का हमने गुड्स खरीदा है और $1 का रेट चल रहा है 60 रुपीज़, मतलब टोटल हमने 60,000 रुपीज़ का गुड्स खरीदा है। तो एंट्री क्या करेंगे हम हमारे अकाउंट में, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ कैसे आया, $1,000 में हमने खरीदा और $1 का रेट उस दिन पे क्या चल रहा है 60 रुपीज़, तो 60,000 रुपीज़।
मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उसी दिन आपको अपने अकाउंट में एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, वेदर इट इज परचेज और सेल, और उस दिन जो रेट चल रहा है उसी रेट से आपको वो एंट्री करनी रहेगी। क्लियर, समझ में आया इनिशियल रिकॉग्निशन। चलो फिर आता है वैल्यूएशन एट बैलेंस शीट डेट। जब बैलेंस शीट का टाइम आता है बनाने का, उस टाइम पे रेट कुछ और चल रहा होता है, और उस टाइम पे जो रेट चल रहा होता है उसका भी आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे वैल्यूएशन करना है वो आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस टाइप के, तब आपको और डिटेल में मैं समझाऊंगा कि भाई इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे हुआ, बैलेंस शीट की डेट पे वैल्यूएशन कैसे हुआ। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने $1,000 का गुड्स परचेज किया था 60 के हिसाब से, अब आपका रेट चल रहा है $1 = 65। अब आपका रेट जो है ना वो 5 से बढ़ गया है, आपने 60 में परचेज किया था, राइट नाउ एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट क्या रेट चल रहा है 65। तो ये जो 60 से 65 रेट हुआ, ये जो फ्लक्चुएशन आया है 5 का, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसको बोला जाता है वैल्यूएशन एट बैलेंस शीट डेट। ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। फिर मॉनेटरी आइटम के बारे में बोला है कि मॉनेटरी आइटम जो है उसको क्लोजिंग रेट से आपको कन्वर्ट करना होता है। क्लोजिंग रेट मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बनाते वक्त जो रेट चल रहा होता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को जो रेट चलता है उस रेट से आपको अपने मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाकी इसमें आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और नॉन मॉनेटरी आइटम जो होती है उसको आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब आपने 5 साल पहले भी फिक्स असेट खरीदी थी तो उस टाइम पे जो रेट चल रहा था वही रेट से अकाउंटिंग की जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मॉनेटरी आइटम में रेट चेंज होगा, आपको बैलेंस शीट की डेट वाला रेट हमेशा लेना होगा, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम जो स्टार्टिंग में आपने जो रेट में फिक्स असेट परचेज की होगी उसी रेट से आपको उसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर, चलो उसके बाद डायरेक्टली जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ऑल टाइप ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज डिफरेंस कई बार जनरेट होगा, 60 में आपने परचेज किया था, 65 अभी का रेट चल रहा है, कितना डिफरेंस आया 5 का, उसका जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो याद रखना है कि दो रेट के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, या तो वो आपका प्रॉफिट होगा या फिर वो आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन में आपको सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना है जब आपने परचेज या सेल किया हो, फिर आपको बैलेंस शीट की डेट पे वैल्यूएशन करना है, और फिर आपको एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। 3 चीज़ें, इनिशियल रिकॉर्ड, सेकेंड बैलेंस शीट डेट वैल्यूएशन, थर्ड जो भी डिफरेंस आया उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब इसके रिलेटेड के क्वेश्चंस जो है दैट इज सम नंबर 1 to सम नंबर 8, वो अपने अगले लेक्चर में इसी टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसी थियोरी को आप अच्छी बार एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ लेना। ओके, अगले लेक्चर में हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के स्मॉल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।